गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम यूपीएससी पाठशाला। और आज की जो एडिटोरियल है उस पर आज हम डिस्कस करते हैं क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, क्योंकि एडिटोरियल अगर आप देखोगे तो यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उस एडिटोरियल पे हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा दैनिक समसामयिक की चर्चा पर हम डिस्कस करें। उससे पहले 8 मई का आज एक छोटा सा मैंने कोटेशन रखा हुआ है आपके लिए, जो आपको कहीं ना कहीं आगे निरंतर आपकी पढ़ाई में और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको साधगार। जैसे अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पहले अपनी कमजोरियों को ढूंढो। मतलब कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी कमजोरियां होती हैं, हम ये सोचते हैं हमारा सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ कि हम टेस्ट देने के बाद फिर ये यूटिलाइज करते हैं कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो आप जब फर्स्ट टेस्ट देते हो, जब भी आप फर्स्ट टेस्ट को कंडक्ट करते हो, तो वहां पर एक कोशिश करो कि जितना टाइम आप टेस्ट देते हो उसके बाद उसके 20 मिनट्स या फिर मैं कहूंगा 30 मिनट्स आप उस पर एनालाइज करो कि टेस्ट में गलतियां कहाँ पर हुई, किस जगह पर गलतियां हुई और गलतियां क्यों, उसका एनालाइज करो डीप एनालाइज। जब आप डीप एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि या तो टॉपिक में आपने कुछ छोड़ दिया या फिर आपने क्वेश्चंस अटेंड करने में आपसे कुछ गलती हुई। तो इस तरह फिर उसको अपनी ताकत बना, और फिर जो गलती आपकी बनी है उसको अपनी ताकत बना लोगे, वो टॉपिक्स आप क्लियर कर लोगे, ये जो आपको वहां पर हर्डल्स आ रहे हैं उन हर्डल्स को दूर कर लोगे, तो कहीं ना कहीं कामयाबी आपकी होगी और मार्किंग आपकी इंक्रीज। तो इसी वाक्य के साथ चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज हमें तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा कोविड से रिलेटेड है कि विद कोविड-19 ओवर अप्लाइंग द लेसन लर्न। मतलब कि कोविड-19 हमारा ओवर हो चुका है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑथर कह रहे हैं और आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, WHO, कि कोविड-19 ओवर हो चुका है। अप्लाइंग द लेसन लर्न, कि जो हमने सीखा कोविड-19 के दौरान उसको अब हमें अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं अब हमारा वहां, क्योंकि कोविड-19 ने हमें इतना सिखा दिया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसी वहां पर हमारे पास परेशानियां थी, उन परेशानियों से हम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आप अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस की जो डिजीज है वहां पर उसमें आप इसको रिलेट कर सकते हो और इसको आप वहां पर ऐड कर, ठीक है। तो साइंस के पेपर से ये लिंक करता है आपका, आप उसमें डिजीज वाले चैप्टर से आप इसको लिंक कर। यहाँ पर अगर रिसेंटली देखोगे ऑन 5th of May 2023 डिक्लेरेशन दैट कोविड-19 वॉज नो लॉन्गर अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। मतलब कि कोविड-19 किसने कहा है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, WHO ने कहा है कि हमारा यहाँ पर कोविड-19 ओवर हो चुका है और कहीं ना कहीं अब इसके कहीं पर भी लॉन्गर अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर अ इंटरनेशनल कंसर्न। यहाँ पे भी हम इंटरनेशनल कंसर्न की बात करें, इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो यहाँ पर अब इसका कुछ भी प्रूफ नहीं, लेकिन फिर भी अब और ऑथर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने बताया है कि यहाँ पर मार्च-अप्रैल 2022 में एक फ्लू आया, यहाँ पर एक वायरल था, वायरल फ्लू था SARS-CoV-2, जो कहीं ना कहीं इसने कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इफेक्ट किया। आपने देखा होगा अपने आस पास में भी, आप भी कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हुए होंगे इस फ्लू के साथ, तो कहीं ना कहीं हमने ये सोचा था। तो इस रीजन में उन्होंने क्या इसका बैकग्राउंड रखा है, पहले मैं थोड़ा सा कंसाइज वे में आपको ये समझा दूं। उन्होंने ये रखा है कि हमने जो भी सीखा, जो भी हमारी मिस इन्फॉर्मेशन होती थी उनकी वजह से हम कितना परेशान हुए, तो इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये फोकस किया है कि हमें आगे के लिए एक्सपर्ट कहीं ना कहीं जो भी हमने यहाँ से सीखा लेसन वो हम आगे अप्लाई करें कोई भी बीमारी। यहाँ पर उन्होंने इस चीज में, इस विषय में बताया है कि मार्च अप्रैल में जो फ्लू आया था उससे उसके एवज उसमें क्या किया गया कि वहां पर स्टूडेंट्स को मेन फोकस रखा गया और स्टूडेंट्स के स्कूल्स बंद कर दिए कि स्कूल कोई स्टूडेंट्स अभी स्कूल्स ना आए, और कहीं ना कहीं उनके कॉलेजेस को बंद करने के लिए अप्रोच किया गया कि अभी स्कूल कॉलेजेस में ना आए और मास्क को वियर रखें, मास्क को लगाकर रखें, कि ये कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने यहाँ पर अपने थॉट्स रखे हैं, जो हमारे एडिटर हैं उन्होंने बोला है मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। अब उन्होंने क्या बोला, अब वो चलते हैं कोविड पर उन्होंने क्या बोला कि अप्रैल-मई 2021 जो हमारा सेकेंड वेव आया उसमें क्या एक रूमर आया कि यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं ये जो थर्ड वेव आएगा, सेकेंड वेव आएगा, जो अपकमिंग वेव्स होंगे वो बच्चों पर इफेक्ट करेगा, सबसे ज्यादा बच्चों पर इफेक्ट करेगा। लेकिन ये कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं है,
ये कहीं ना कहीं कहां पर बताया गया, ये आपके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उन्होंने बताया, जिनके फॉलोअर्स हम आंख बंद करके कहीं ना कहीं फॉलोअर्स को बना देते हैं कि हम उनको जैसे ही कहेंगे, जैसे अगर आप देखेंगे तो COVID-19 का जब टाइम था, जब वैक्सीनेशन नहीं था, फर्स्ट उसमें बात करेंगे हम, सेकंड में भी, थर्ड में भी, अभी भी हमें कहीं ना कहीं मिलता है कि सोशल मीडिया पर लोग आते हैं और वो कहेंगे कि उनके पास डिग्रियां नहीं है, कि वो कोई मेडिकल ब्रांच से है, और अगर मेडिकल ब्रांच में भी है तो कोई वो स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने बोला कि आप कहीं ना कहीं ये करो, सबसे पहले तो इन्फ्लुएंस मेरी मैंने भी ये चीज देखा, आपने भी ये चीज देखी होगी कि बहुत सारे ऐसे आ रहे थे कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई प्रेत आत्मा और ऐसा कुछ, जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस चल रहा है, तो लेकिन ये कोई भी मेडिकल बेस्ड रिपोर्ट में नहीं था, तो ऐसा चल रहा था। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या बोला गया कि जो थर्ड वेव आएगी वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक होगी, बच्चों को कहीं ना कहीं इससे हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। सो एज ए पेरेंट्स, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं डर गए बच्चों को लेकर, उन्होंने उनकी स्कूलिंग बंद कर दी, उनका कॉलेजेस बंद कर दिया कि आप घर में रहो, और घर में भी वो इस तरह रहे कि मास्क को लगाकर ही रख दिया, घर में भी मास्क को लगाकर रख दिया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने डाला है कि 2 साल के बाद फिर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने अपनी पढ़ाइयाँ कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो गई। अब इससे क्या हुआ, और लेकिन ऐसा कोई भी हमारे पास सिम्टम्स नहीं थे, और ऐसा कोई भी हमारे पास सुने नहीं था कि ऑफिशियल कोई हमारे लिए वर्डिक्ट था कि ये बच्चों को परेशान करेगा, ये बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि दो द बेस्ड आउट ऑफ दो बेस्ड आउट ऑफ द इंडिया वेयर एनालाइज इन टू द 3 सब ग्रुप, यहाँ पर उन्होंने 3 सब ग्रुप में पीपल्स को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में, जो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर, और वो इंडिया में कहीं ना कहीं अपने थॉट्स दे रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, जो उन्हें फॉलोवर्स हैं उन्हें, कि आप ऐसा कीजिए, बच्चों के पास प्रॉब्लम है, आपके लिए प्रॉब्लम है, आप इसको फॉलो कीजिए, आप ये डाइट लीजिए, आप ये कीजिए, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने उनको मिस गाइड किया, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कहीं ना कहीं हमने ये पर, तो यही पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने और क्या बोला, द 4th ग्रुप 1, इसमें 3 ग्रुप जो थे वो कहीं ना कहीं कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के थे, जो मेडिकल अथॉरिटीज है वो थे, कुछ उनके अलग अलग सब ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पर 4th ग्रुप पर इन्होंने फोकस ज्यादा किया। 4th ग्रुप में लोग ऐसे थे, दे हैड एन ओपिनियन अबाउट इंडिया बट लिव अब्रॉड, अप्रोक्सीमेट रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन, मतलब कि वो कहीं ना कहीं जो 4th ग्रुप था वो कहाँ रह रहा था, फॉरिन में रह रहा था, और कहीं ना कहीं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने थॉट दे रहा था कि यहाँ पर वो जिस भी देश में थे वहां पर कहीं ना कहीं उन्हें पैंडेमिक सिचुएशन मिल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमें बता रहे थे कि इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, इंडिया में भी आप बाहर ना निकलो, आप ऐसा ना करो, आप ये ना करो, मतलब मिस गाइड कर रहे थे। लेकिन अगर हम देखेंगे कि किसी भी रीजन में जब हम बात करते हैं, किसी भी रीजन में जब हम कोचिंग करते हैं, तो जो प्रॉब्लम इंडिया में है क्या वही इंडिया वही प्रॉब्लम दूसरी कंट्रियों में भी होगी? चलो इसको भी छोड़ते हैं, हम अपने देश में आ जाते हैं, जो प्रॉब्लम आपकी कॉलोनी में है क्या वही सेम प्रॉब्लम दूसरी कॉलोनी में भी हो सकती है क्या? या जो प्रॉब्लम आपके घर में आपकी बॉडी में है क्या वो प्रॉब्लम किसी दूसरे को भी हो सकती है क्या? जब तक नहीं होगी हम कैसे बोल सकते हैं? अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले वो डायग्नोस के लिए आपको भेजते हैं, आपकी ब्लड सैंपल करेंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, फिर वो आपको कहीं ना कहीं बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप इसके साथ होगी। लेकिन अगर हम कहें कि मैं बीमार हूं, इससे सही हो गया था, तो आप भी कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव कर दीजिए कि हाँ मैं भी यहाँ पर सही हो गया, कि आप भी कहीं ना कहीं इसी को फॉलो कीजिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं ऑथर ने थोड़ा सा यहाँ पर मिसगाइड किया हुआ है कि जो हमारा मिस इन्फॉर्मेशन था उसमें हमने कहीं ना कहीं वो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे इस तरह के कहीं ना कहीं पहुंचे दिए, तो जो हमें प्रॉब्लम है हो सकता है कि वो दूसरे को वही प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं ऑथर ने अपने थॉट को यहाँ पर शेयर किया, उन्होंने एक वर्ड यहाँ पर रखा हुआ है जिसका नाम है एपी एपिडोमोलॉजी एपिडोलॉजी। इन्होंने क्या बोला है, एपिडोलॉजी क्या होता है पहले ये समझ, एपिडोलॉजी ये होता है कि जो भी हमारे देश के जो भी बड़े बड़े अथॉरिटीज है, मेडिकल अथॉरिटीज, जो भी एक्सपर्ट है, वो कहीं ना कहीं एक पैटर्न को समझते हैं पहले कि वो पैटर्न जो हमारी डिजीज फैल रही है वो डिजीज क्यों फैल रही है, किस वजह से फैल रही है, किस पैटर्न में फैल रही है, फिर वो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि आप ये फॉलो करो, आप ऐसे फॉलो करो, ये फॉलो, फिर कहीं ना कहीं मेडिसिन आपको प्रिफर की जाती है। लेकिन अगर हम इस इसके साथ ना चलते हुए अगर इन्फ्लुएंस में आते रहेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम,
आगे उन्होंने और क्या, लोकल कॉन्टेक्स्ट मैटर, अगर इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पर आपने समझा तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे लोकल कॉन्टेक्ट मैटर में इन्होंने इसी चीज पर फोकस किया है कि चाइना ने कहीं ना कहीं दिसंबर 2022 कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक सिचुएशन को फिर से झेला, कोविड 1, लेकिन ओनली इन चाइना ओनली। उसके बाद अगर आप देखोगे जैसे स्विट्जरलैंड है, इन अप्रैल 2023 में अगर आप देखोगे स्विट्जरलैंड जो है वो स्विट्जरलैंड है, और अदर जो कंट्रीज है, जब ये पार्ट कौन झेल रहा था, ये आपके झेल रहा था चाइना में, तो अदर जो कंट्रीज थी हमारी उन्होंने कहीं ना कहीं जो कोविड की वैक्सीन था उसको रोक दिया, कोविड के लिए जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको बंद कर दिया। मतलब ये क्या बताता है, अदर कंट्रीज का डेवलपमेंट बताता है कि वहां की जो पॉपुलेशन है कितनी डेवलप है, कि उन्होंने ये देखा कि हमारे यहाँ पर लोकल में तो कुछ ऐसा मैटर नहीं है, लोकल में तो कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं आ रहा है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी हमारे यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, तो फिर हाँ प्रिकॉशंस रखने चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी यहाँ पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा था, हम लोग रिस्ट्रिक्शंस खुद से बना रहे हैं। अगर हमें चेंज करना है, किसी भी सोसाइटी को चेंज करना है या किसी थ्योरी को चेंज करना है, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या होता है कि हम अपने आप को चेंज, हम अपनी सोसाइटी, जब घर से चेंज चालू होता है अपने आप से चेंज होगा, तो घर में चेंज होगा, घर में चेंज होगा सोसाइटी में चेंज होगा, कम्युनिटी में चेंज होगा, और कहीं ना कहीं फिर कंट्री में चेंज होगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने ये अप्रोच को यहाँ पर बताया, तो उन्होंने यही बताया है कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखेंगे तो अभी तक कहाँ तक हम लोग यहाँ पर क्या सीखा, हमने हमने यहाँ पर यही सीखा कि हम लोग कहीं ना कहीं जो भी हमारे मीडिया पार्टनर थे, इन्फ्लुएंसर, जो भी हमारे सोशल मीडिया के ग्रुप थे, हम उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन अब आगे की सिचुएशंस में हमें इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अब हमें कहेंगे, अब इसको इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए उन्होंने क्या, उन्होंने यहाँ पर कुछ अपने सजेशंस दिए। सबसे पहला दिया है कि ओनली द कंसिडरेशन द इमेजेंट इंटरेस्ट इन द एंड एपिडेमियोलॉजी द गवर्नमेंट शुड ऑफर फॉर्मल ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ पेडिकोलॉजी। मतलब कि गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी तरफ से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करे, उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आगे फिर से आती है, ऐसी कोई प्रोसेस आती है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ट्रेन करके रहे। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऐसे जो भी हमारे जो रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए, उन पे भी कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। थर्ड इन्होंने क्या बोला, थर्ड उन्होंने क्या बोला, द इंडिया रिस्पॉन्सिबल टू सर्जरी आउटब्रेक एंड द पेंडेमिक ऑफ द इंफेक्शियस डिजीज एंड नॉट जस्ट कोविड 19। ये केवल हमारे लिए कोविड 19 के लिए नहीं था, आगे के लिए भी हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसी डिजीज के लिए आगे के लिए तैयार रहना। तो इस तरह कहीं ना कहीं सब, और यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर अगर रिस्क देखा जाए, फोर्थ में उन्होंने सबसे पहले की जो बात उन्होंने चिल्ड्रंस की बताई थी, वो उन्होंने फोर्थ पैराग्राफ में लास्ट में उनको सजेशन बताया है लुकिंग फॉरवर्ड। क्या बोला है उन्होंने कि बच्चों पर इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ना लगाएंगे जब तक कि कोई ऑफिशियल अथॉरिटीज आपको ऐसे ना। तो इस तरह से आने वाले समय में हम जो भी प्रॉब्लम फेस करेंगे, जो भी हमारे पास प्रोसेस होंगी, जो भी हमारे पास डिलीज आएंगी, उनके लिए हम अवेयर रहें और किसी से भी मिस इन्फॉर्मेशन से मिस गाइड ना हो। हम कहीं ना कहीं जब तक हमारे पास अथॉरिटी बेस्ड कुछ प्रोसेस ना हो, हम उस पर कभी बेस्ट, तो ये कहीं ना कहीं ऑथर ने आने वाले अपकमिंग टाइम के लिए आपके साथ। चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेकंड एडिटोरियल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है। यहाँ पर अगर हम बात करें अपोजिटिंग पेपर, यहाँ पर अगर देखोगे तो पेपर कहीं ना कहीं चाइना इमेज एंड व्हाट इट मींस, कहीं ना कहीं एक चाइना पोजिस पेपर, चाइना ने एक पेपर निकाला, मतलब पेपर इन द सेंस ऐसा पेपर नहीं निकाला कि प्रिंट आउट जो हमारे न्यूज पेपर होता है, मतलब उन्होंने एक डायलॉग किया। यहाँ पर चाइना जो है अब अपनी छवि को कहीं ना कहीं अच्छा बनाना चाहता है वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, कि जैसे हम लोग कैसे यहाँ पर फॉलो करते हैं, कैसे यहाँ पर मतलब चाइना की एक छवि अच्छी, तो ये आपकी इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट में आएगा। पेपर 2 में आपके कहीं ना कहीं इसलिए हो सकता है कि चाइना हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी, तो इसको समराइज वे में आपको पहले समझाऊं फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर चाइना जो है अफगानिस्तान के इंटरनल मामलों में इंक्लूड हो रही है, और वो कह क्या रही है इस चीज को समझिए आप, यहाँ पर उसका इंक्लूड होना कि वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में अंदर जा रही है कि अफगानिस्तान में कैसे शांति बहाल की जाए, और ये किसके साथ, तालिबान के साथ, मतलब उसने एक तालिबान के साथ इसका डायरेक्ट नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पॉलिसीज है। इस पॉलिसीज को अभी हम आगे रीड करेंगे कि उसने क्या पॉलिसी यहाँ पर ब्रीदिंग पे बनाई। नेक्स्ट थिंग अगर देखोगे और उन्होंने क्या कहा, सेकंड थिंग इन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है तो किसको, यूएसए की पॉलिसी को, यूएसए कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 से 15 साल था
कहाँ पर? अफगानिस्तान में। उसके बाद इसने क्या किया, यूएसए ने यहाँ पर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश की, लेकिन वो डेमोक्रेसी जो थी वो अस्थायी रूप से रह गई। फिर से तालिबान आ गए, फिर वहां से अनरेस्ट हो गया, वहां पर फिर वहां पर हिंसाएं होने लगी। तो इस तरह भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। और थर्ड उन्होंने बोला है कि हम कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं, मतलब चाइना कह रहा है कि हम किसी देश में कैसे सुधार कर सकते हैं। चलिए, तो इसको अगर हम देखें तो इसके एडिटर, हम एडिटोरियल पर आते हैं। तो इन द अर्लियर अप्रैल दिस ईयर, इस साल अप्रैल में 2012-13 तारीख को फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, और साथ में आपके कौन कौन थे ये भी देखते जाइए, साथ में कौन थे, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सबने, सबके फॉरेन मिनिस्टर ने समरकंद में अपनी एक मीटिंग रखी। फिर उन्होंने रखा कि समरकंद में मीटिंग रखी, फिर अपने डायलॉग्स, मतलब इन्होंने चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं चाइना पोजिशन और द अफगान इशू, अफगान में जो इशू चल रहे हैं अफगानिस्तान में, उसमें अपने इन्होंने क्या, मतलब ये एक मीडिएटर बन गए वहां पर, कि वहां पर शांति बहाल हो सके और हमारे कोई भी यहाँ पर वो नहीं है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम है, हम बस इनको शांति करना चाहते हैं। ये चाइना का कहना है कि हम शांति करना चाहते हैं और इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप चाइना जैसी कंट्री जो विदाउट एनी इंटरेस्ट कुछ भी कर सकती है क्या, इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, अब इस चीज को समझिए, चाइना ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर क्राइसिस हो रही है अफगानिस्तान में, उसके लिए कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया है किसको, यूएसए को, यूएसए ने यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज दी, उसकी पॉलिसीज फेल। अब उसके बाद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिसी चोइस, यहाँ पर अगर पॉलिसी जो इन्होंने दी है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात, तो इसको अगर आप समझते हैं तो यहाँ पर क्या रखा, इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर थ्री रिस्पेक्ट रखी। किसके लिए थ्री रिस्पेक्ट रखी, अफगानिस्तान के लिए, चाइना ने, कि हम चाइना जो है इंडिपेंडेंसी, थ्री इनकी क्या है रिस्पेक्ट, इन्होंने क्या रखी है कि इंडिपेंडेंसी, सोवरेनिटी और टेरिटरी इंटीग्रिटी। जो अफगानिस्तान की, जो वहां की इंडिपेंडेंसी है, वहां की सोवरेनिटी है और वहां की जो इंटीग्रिटी है, बंधुता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको बरकरार रखा जाएगा, हम इस बात का आपको आश्वासन देते हैं। चाइना ने कहा है इन तीनों को यहाँ पर शांति से किया जाएगा। इन तीनों को लेकर इन्होंने अफगानिस्तान में क्या बोला और इन्होंने क्या पॉलिसी में बताया, कि जो अफगानिस्तान में जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि मिलिट्री प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पर फेलियर, वेस्टर्न फेलियर इन द फुलफिल ऑफ द कमिटी ऑफ द कंट्री, मतलब कि यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे कि यूएस, मेन टारगेट ने यूएसए, कि यूएसए की यहाँ पर जो भी कमिटीज थी, जो भी यहाँ पर कमिटमेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं अपने कर्म में फेल हो गई। क्यों, उन्होंने क्या बोला था कि हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे अफगानिस्तान में, और उन्होंने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश भी किया, तालिबान को एबोलिश करके, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री भी चल रही थी। लेकिन अब फिर से क्या हुआ, ये उन्होंने क्या कहा कि उनकी पॉलिसीज में इतनी दम नहीं, इतनी पावरफुल नहीं, कि जिसकी वजह से नहीं फिर से यहाँ पर तालिबान आ गए। तो अब सेकंड यहाँ पर स्टेप देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, बीजिंग कमिट टू हेल्प द अफगानिस्तान मूव टूवर्ड द मोर सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि यहाँ पर अगर यहाँ पर शांति बहाल हो जाएगी और चाइना अफगानिस्तान को हेल्प करेगा किसमें, उनकी इकोनॉमिकल का जो अनरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं स्टेबल करने में, इकोनॉमी अच्छी करेगा अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद यूजिंग द ग्रुपिंग विदाउट द यूएसए, अब विदाउट यूएसए एंड इट्स एलियंस, मतलब कि यूएसए जो चाइना है वो उसी जगह पर वर्कआउट कर रहा है जहां पर ना तो यूएसए है ना ही उसकी कोई अलायंस है, मतलब उसकी अलायंस मतलब कि उसके गुट वाले लोग, तो मतलब ना ही उसके गुट वाले लोग। तो चाइना कहाँ पर, अफगानिस्तान में उसने देखा कि यूएसए बिल्कुल आउट हो चुका है, तो वो यहाँ पर शांति बहाल कर रहा है, वो यहाँ पर एडवोकेटिंग कर रहा है, मतलब वकीला कर रहा है, किसके लिए, इन दोनों में असमंजस बैठ सके, मतलब सामंजस्य बैठ सके कि तालिबान और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के अंदर। इसी चीज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो तालिबान है, जो तालिबान है, इन्होंने चाइना के इस बीजिंग प्रपोजल का सपोर्ट किया है, कि वाह चाइना हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर अनरेस्ट होगा, हम आपकी सोवरेनिटी को बरकरार रखेंगे, आपकी इंडिपेंडेंसी को बरकरार रखेंगे और हम आपकी इंटीग्रिटी को बरकरार। तो इसका यही एक मेन था। अब दूसरी चीज यहाँ पर, सेकंड इसके थर्ड इसके फॉर्मेट में आए, कि थर्ड चीज यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 2023, अगर बिगिनिंग देखेंगे 2023 के बिगिनिंग से ही चाइना हैज टेकन द इंक्रीमेंट स्टेप टू एक्सटर्नल एंड इट्स इमेज एज ए मेजर कंट्री प्लेइंग अ क्रूशियल रोल, मतलब कि चाइना स्टार्टिंग से ही, अगर आप पहले वाले आपने एडिटोरियल पढ़े होंगे, पहले भी एक डिस्प्यूट रहा था कि ईरान और सऊदी अरेबिया में कहीं ना कहीं सीरिया वाला रिव्यू चल रहा, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इसमें एक उन्होंने पार्टी मध्यस्थता की और वही मध्यस्थता करके कहीं ना कहीं ये अच्छा बनना चाह रहा।
कि मैं कहीं ना कहीं अपनी मेरी जो छवि है तो वो कहीं ना कहीं मैं अच्छी बना पाऊँ। तो इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया है कि सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बताया है कि हम अफगानिस्तान को अनरेस्ट जो है वहां पर उसको स्थिर करना चाहते हैं। दूसरी चीज वहां पर क्या बताइए, पाकिस्तान को जो आपका यूएसए है और उसकी अलायंस है उनको क्रिटिसाइज किया है। और थर्ड उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर हम कोई भी अपना यहाँ पर इम्पोर्टेंस इन्होंने क्या बताया है, अपनी इमेज को सुधारना। अब फोर्थ पॉइंट इसका क्या निकल के आता है, फोर्थ पॉइंट ये निकल के आता है कि यहाँ पर हम अगर चाइना के साथ देखें तो चाइना यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है कि चाइना का इंटरनल अब हम एनालाइज करें, चाइना और अफगानिस्तान डायरेक्ट आपकी बाउंड्री शेयर कर रहा है। अगर अफगानिस्तान डर रहा है, चाइना किससे डर रहा है, यहाँ पर लास्ट में देखिए, फॉर चाइना द थ्रेट ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट डर रहा है कि अगर कहीं ये टेररिस्ट का जो थ्रेड है ये कहीं चाइना में आ गया तो चाइना को भी अनरेस्ट कर देगा। तो वो कहीं ना कहीं इसको बंद करना चाहता है, इसको दबाना चाहता है कि कहीं ना कहीं इनका अनरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपके स्टेबल हो जाएंगे तो चाइना भी स्टेबलाइज हो जाएगा, चाइना के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और चाइना की एक बड़े भाई की भूमिका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल के आएगी कि चाइना आज का कितना अच्छा कंट्री बन गया है जो कि कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा रहा है। अब लास्ट में यहाँ पर जो एडिटर है उन्होंने इंडिया के लिए थोड़ी सी चिंता जाहिर की है। जैसे क्या, जैसे हमने कल वहां पर पढ़ा, कल के एडिटोरियल में हमने पढ़ा था कि चाइना हमें कहीं ना कहीं इंडिया को लैंड बॉर्डरी से और कहीं ना कहीं वाटर बॉडी से दोनों तरफ से इसको कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर चाइना और अफगानिस्तान की पॉलिसी पर हम बात करें, अगर चाइना यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो जाता है अफगानिस्तान तालिबान के साथ या अफगानिस्तान में, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसी को लेकर उन्होंने थोड़ी सी चिंता जाहिर की है कि इंडिया को भी अब ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहिए, इस तरह की पॉलिसी बनाना चाहिए कि वो इन दोनों के बीच से कहीं ना कहीं निकल सके। ठीक है, वो ज्यादातर यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑथर ने कल जो G20 समिट्स और एससीओ समिट्स हो रही है इंडिया में उनके लिए बोला कि उनके नेबरहुड को भी देखना चाहिए, तो अफगानिस्तान भी हमारे नेबरहुड में है। अगर आप देखोगे लद्दाख वाली सीमा से लगता है, हालांकि पीओके में कैप्चर है लेकिन है तो हमारा नेबरहुड। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या देखना है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या बताया गया है कि आप कहीं ना कहीं इंडिया अपनी पॉलिसी इस तरह से बनाए कि उसका इंडिया पर इसका कुछ इफेक्ट ना हो, अपनी पॉलिसी पर भी चेंज। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इस एडिटोरियल का पूरा डिस्कस किया। तो अब हम चलते हैं थर्ड इशू की तरफ, जो हमारा थर्ड एडिटोरियल है। यहाँ पर थर्ड एडिटोरियल क्या बता रहे हैं एडिटर, यहाँ पर उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आई थिंक ये कंप्लीट हुआ हमारा कि चाइना हमारी कैसे इमेज को किस तरह से अपना मीट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, विल द ग्रीन बैक विल बी ग्रीन। अब यहाँ पर एक चीज को समझिए, पहले हम इसको थोड़ा कंसाइज वे में समझो कि विल द ग्रीन बैक विल बी द ग्रीन क्या है। तो यहाँ पर अगर आप समझोगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एशियन कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया और इंडिया, जिनमें से इंडिया को हम छोड़ देते, चाइना रशिया पे चलते। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि चाइना और रशिया में जितना भी व्यापार होता है, आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम ये पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए हम जो भी व्यापार करते हैं तो उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चाइना और रशिया के बीच जब से चाइना के ऊपर जितने भी हमारे प्रतिबंध लगे हैं, उन प्रतिबंध पर आप देखोगे कि यहाँ से क्या हुआ है कि रशिया जो है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड जो कर रहा है वो उनकी खुद की करेंसी में कर रहा है। तो यहाँ पर ये करेंसी को लेकर ही है, यहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के डीन उन्होंने इसमें करने की बताया है कि क्या इससे कुछ इफेक्ट होगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बताया कि इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा US डॉलर। अच्छा, इन्होंने क्या बताया है इस पूरे टॉपिक को हम समझते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहला हमने पॉइंट यहाँ पर ये देखा कि जो भी आजकल इंडिया, चाइना और रशिया तीनों में जो ट्रेड हो रहा है वो इनकी खुद की करेंसी में हो रहा है, ना कि US डॉलर को यूज किया जा रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड यहाँ पर क्या बताया गया है कि किस तरह से डॉलर जो है उसमें कहीं ना कहीं इसमें तो चेंज आया है डॉलर के, उसमें डॉलर रिजर्व में कहीं ना कहीं चेंज आया है लेकिन फिर भी बरकरार, कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं जो आपके। तीसरा यहाँ पर बताया गया है कि इससे यहाँ पर वर्ल्ड में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, US डॉलर करेंसी में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। चलिए, तो इसमें हम यहाँ पर स्टार्ट। तो यहाँ पर बताया गया एज द चाइना, इंडिया एंड रशिया डबल इन ट्रेड यूजिंग पार्टनर करेंसी
फॉर पेमेंट इंस्टेड ऑफ US डॉलर, मतलब कि US डॉलर के स्थान पर जो ये कंट्रीज हैं वो किसका उपयोग कर रही है, अपनी पार्टनर्स की करेंसी का। जैसे इंडिया का है तो इंडिया की करेंसी, रशिया का रशिया करेंसी कर रही है, और चाइना अपनी करेंसी। लेकिन इन्होंने क्या बोला, द राइज ऑफ द डॉलर, डॉलर का अगर हम राइज देखें तो डॉलर पहले ही हमेशा से। अच्छा, डॉलर राइज कैसे हुआ, तो डॉलर अगर आप देखोगे किसी भी देश की जो मुद्रा होती है वो कम पावरफुल बनती है जब उस मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहीं ना कहीं मांग ज्यादा, मतलब कि मांग ज्यादा होगी तो उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की कहीं ना कहीं वैल्यू उतनी होती है उस देश की मुद्रा। अगर हम यहाँ पर US को देखें तो US एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की बहुत बड़ी के साथ दूसरा जो वर्ड आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबल इकोनॉमी। विश्व की बड़ी इकोनॉमी के अलावा एक स्टेबल इकोनॉमी, स्टेबल इकोनॉमी क्या होता है, वहां पर कोई भी अनरेस्ट नहीं है। आपने देखा होगा अमेरिका, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा हो, किसी भी वॉर में था अमेरिका जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करेगा तो उसकी जो इकोनॉमी है, जो कंट्री है, उसमें कहीं ना कहीं अनरेस्ट की स्थिति आ जाएगी, आएगी, क्योंकि वॉर होगा। जैसे कि अभी रशिया में आप देखोगे तो रशिया कहीं ना कहीं अनरेस्ट हुआ लेकिन फिर भी वो स्टेबल। तो इसीलिए डॉलर का कहीं ना कहीं स्टेटस बड़ा है विश्व की, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी इकोनॉमी है, और कहीं ना कहीं साथ में दूसरी चीज वो एक स्टेबल। दूसरी चीज, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो छोटी कंट्री हो चाहे वो बड़ी कंट्री हो, उन्होंने क्या कोशिश किया है, उन्होंने कोशिश ये की है कि जितना ज्यादा अगर हम करेंगे अपना जो फॉरेन रिजर्व है। अच्छा, फॉरेन रिजर्व क्या होता है, हर कंट्री छोटी हो चाहे बड़ी हो, विश्व की जितनी भी कंट्री है वो उस रिजर्व को, उस मनी को अपने पास रिजर्व करके रखना चाहती है जिससे वो व्यापार कर। जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो भी होता है वो US डॉलर, तो हर कंट्री अपने पास एक रिजर्व। अब उस रिजर्व का उपयोग क्या क्या कर सकती है वो, उस रिजर्व का उपयोग एक तो इसलिए कर सकती है कि कभी उसको किसी चीज की जरूरत पड़ी, व्यापार में, व्यापार अगर उसको किसी दूसरी कंट्री के साथ करना है तो उसको US डॉलर चाहिए। अगर उसके पास कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी क्राइसिस आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं US डॉलर का उपयोग करके उस क्राइसिस से रिलेटेड जो भी कुछ चीजें होंगी, इक्विपमेंट्स होंगे, वो मंगा सकता है। तीसरा, अगर कोई भी डिजीज वगैरह है या कुछ भी है तो उसके लिए भी वो, या फिर किसी पैंडेमिक सिचुएशन में है तो वो कंट्री US डॉलर के साथ डायरेक्ट किसी भी कंट्री के साथ एक्सचेंज करेगी, संबंध बनाकर वो चीज को परचेज करती है। जैसे थर्ड वाले पॉइंट को अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू में होते हैं बताते हैं कि जैसे जो कंट्री होती है, जैसे कोई एक छोटी कंट्री है तो उसके साथ अगर कोई सिचुएशन आ गई, उसके साथ कोई पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, और वो दूसरी कंट्रीज के साथ अगर वो संबंध बनाता है, दूसरी कंट्री से कुछ मंगाता है, डिजीज हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ अगर वो मंगा रहा है, दवाइयां मंगा रहा है, तो वो किस, तो ट्रेड जो होगा वो इंटरनेशनल ट्रेड होगा, तो किससे ट्रेड होगा वो US डॉलर में ही ट्रेड होगा। तो इसलिए कहने की फॉरेन रिजर्व को। उसके बाद अगर यहाँ पर देखो इंटरनेशनल जो मॉनिटरी फंड है, IMF है, उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आया है, उसमें अगर आप देखोगे कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज फॉलन ओवर टाइम फ्रॉम 80% इन दी 1917 टू अबाउट द 60%, अबाउट द 20% ऑफ द रिमेनिंग द 40% रूम क्रिएटेड बाय द, मतलब कि पहले 80% रिजर्व रखा जाता था US डॉलर का, तब 1970s, लेकिन अभी अगर आप देखोगे 2022 तक आप देखोगे तो ये रिजर्व 60% हो गया है। ठीक है, 60% हो गया, ये इतना बड़ा उन्होंने मार्जिन नहीं दिया है कि 60% हो गया है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग 40% है उनमें कैसे आता है, तो उनमें उन्होंने क्या बताया, 20% ऑफ द रिमेनिंग और आउट ऑफ 40% करेंसी सच एज द ऑस्ट्रेलियन एंड द कैनेडियन डॉलर को रिजर्व में रखा जा रहा है 20%। उसके बाद स्वीडिश, कोरियन और साउथ कोरियन वॉन, जो उनकी वहां की करेंसी है उसको रिजर्व में रखा जा रहा है, मतलब कि US डॉलर के साथ फॉरेन एक्सचेंज में और किसको रखा जा रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि 20% में अगर हम आते हैं, जो 20% का जो अदर कंट्री कर रहे हैं, क्योंकि 60% US डॉलर, 20% कहीं ना कहीं ये वाले डॉलर हो गए, ये वाली उनके वो हो गए, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, स्वीडिश, साउथ कोरियन, और इनके हो गए, इनकी करेंसी होगी। उनके बाद 20% में रिमेनिंग पार्ट जो है वो चाइनीज की, चाइना की करेंसी को कहीं ना कहीं रिजर्व में रखा जा रहा है अदर कंट्रीज के द्वारा। अब यहाँ पर हमने और सेकंड थिंग यहाँ पर बोला, हाउ एवर इवन फॉर इंडिया बिगेस्ट सप्लाई ऑफ द ऑयल इज रशिया, फॉलोड बाय द सऊदी अरेबिया एंड इराक इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इज स्टिल इन द US। अब यहाँ पर उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या किया, उन्होंने ये किया है कि ठीक है
हमारे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूएस के डॉलर को उपयोग नहीं कर रहे। लेकिन यूएस डॉलर तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, यूएस डॉलर तो फिर भी हो रहा है वर्ल्ड में अगर आप देखोगे इकोनॉमी में। लेकिन इन्होंने सेकंड पॉइंट यहाँ पर और क्या रखा, थर्ड पॉइंट इन्होंने और क्या रखा है, इन्होंने रखा है कि अभी अगर आप देखोगे रशिया कहीं ना कहीं अपने ऑयल को बेच रहा है, ठीक है, अपने ऑयल को बेच रहा है, तो जिससे इंडिया भी ले रही है, सऊदी अरेबिया भी ले रही है, उसके बाद आपके चाइना भी ले रही है, अदर कंट्रीज भी ले रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये कब तक चलेगा, ये डिमांडेशन जो है डॉलर की डिमांडेशन है वो कब तक चलेगी। अगर अभी इंडिया इसलिए परचेज कर रहा है, ये अदर कंट्रीज, इंडिया को हम ना पूरा हाईलाइट में ले, लाइफलाइन में दूसरी कंट्रीज से बात करते हैं, तो दूसरी कंट्रीज जो रशिया से अभी अपना ऑयल परचेज कर रही है, तो इनमें एक चीज बताइए आप, ये अभी क्योंकि वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है इसलिए परचेज कर रही है। अब ये डिस्काउंट जब देना बंद कर दे, फिर क्या फिर भी ये ट्रेड चलेगा उनकी करेंसी, ये उनका पॉइंट है आपका, ये भी बिल्कुल जायज पॉइंट है कि कहीं ना कहीं फिर उसके बाद क्या होगा, रशिया अपनी उसमें करेगा, फिर डिस्काउंट नहीं देगा, फिर आप ऑयल कहाँ से परचेज करोगे, फिर तो इंटरनेशनल में कहीं ना कहीं आना ही है, फिर तो डिमांड जो है डॉलर की वो इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है इस पूरे एडिटोरियल में, लास्ट अगर पैराग्राफ में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखोगे द फाइट ऑफ द कंट्रीज टू सस्टेन द यूएस डॉलर विद देयर ओन करेंसी। तीसरी चीज उन्होंने यहाँ पर फोर्थ पॉइंट और क्या रखा हुआ है, इन्होंने बोला है कि आप एक चीज बताइए, यहाँ पर यूएस डॉलर केवल फॉरेन एक्सचेंज से इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, और भी एक्सचेंज कैसे हो रही है कि जो यूएसए है वो अपने बॉन्ड्स को क्रिएट करता है, मतलब बॉन्ड निकालता है, और जो अदर अदर कंट्रीज होती हैं वो बॉन्ड्स को परचेज करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि वो एक स्टेबल इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है, तो उसके बॉन्ड के कहीं ना कहीं प्राइस इंक्रीज होंगे, तो उसकी करें उनकी जो कंट्रीज है उनको भी प्रॉफिट होगा उसके साथ। दूसरी चीज, एक चीज तो ये बताइए, इसलिए भी कहीं ना कहीं डॉलर की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, दूसरी चीज इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन केस के पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला कि जो अदर छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं कि वो यूएस के डॉलर जो है उसके साथ टाई अप करके चलती है, यूएस के डॉलर के साथ अपनी करेंसी को टाई अप करके चलती है। टाई अप कहते हैं जैसे उन्होंने फॉरेन करेंसी उन्होंने यूएस डॉलर को यहाँ पर रख दी, तो वो क्या करेगी कि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो यूएस डॉलर को सेल करके अपनी करेंसी को ले आएंगे। अपनी करेंसी को क्यों लाएंगे, अच्छा यहाँ पर इकोनॉमिकल टर्म को समझिए जरा, यूएस डॉलर है इनके पास, इन्होंने अच्छा इनकी मुद्रा की जैसे भारत की जो मुद्रा है उसकी वैल्यू क्रय शक्ति कम हो गई, क्रय शक्ति कम हो गई क्योंकि इंडिया की जो रुपी है वो वर्ल्ड में ज्यादा लोगों के पास है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम हो। अब हम क्या कर सकते हैं कि यूएस डॉलर जो हमारा फॉरेन रिजर्व है उसको हम बेच कर उसको सेल करके इंडिया की जो करेंसी है उसको परचेज कर ले, तो अब इससे क्या होगा, इंडिया की करेंसी की शॉर्टेज हो जाएगी, इंडिया की करेंसी की शॉर्टेज हो जाएगी, तो इंडिया के रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये भी हमारी कंट्रीज करती है, अदर अदर कंट्रीज है वो भी ऐसा करती है, तो इससे कहीं ना कहीं यूएस डॉलर पूरे, अब इस पूरे पैराग्राफ को समझिए, इस पूरे एडिटोरियल को समझिए, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि ठीक है रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, अदर कंट्रीज कर रही है, उससे यूएस डॉलर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ भी उसके साथ पॉइंट ऑफ व्यू में उसकी डिमांड में या उसकी इंपॉर्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यूएस डॉलर कहीं ना कहीं अदर पार्ट भी है उसके, वो कहीं ना कहीं अपने उसको सर्कुलेट करेगा, और वो कहीं ना कहीं उसके लिए उसके पास इंपॉर्टेंट टूल्स हैं कि जो भी फाइनेंशियल टूल वो यूज करता है अपनी इकोनॉमी को, अपने डॉलर की डिमांड बढ़ाए। तो आज के हमारे तीनों एडिटोरियल कंप्लीट हुए, जो भी इंपॉर्टेंट उनका समराइज वे में जो भी हमें समझाना था वो हमने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच, कल हम मिलते हैं कुछ नए एडिटोरियल से, नई उम्मीद। थैंक यू सो मच।